सो गाइस, दिस इज डेवलपर आकाश वाईटी आ गया हूं एक और वीडियो के साथ। तो मेरे पोको एफ1 की एक वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई कि मतलब कुछ उसने टिप्स बताई थी कि ये टिप्स फॉलो करो और आपका लैग मतलब कि थोड़ा बहुत हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो टिप्स अप्लाई करी और हाँ, मेरे को भी लगा कि हाँ भाई जो लैग है थोड़ा सा कम हुआ। और बंदे ने कुछ बंदों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर भी भाई मतलब मैसेज करके बोला था कि हाँ भाई कुछ तुमने कमेंट पिन किया था, तो उसका कमेंट मतलब बहुत बढ़िया कमेंट था यार उसका, वो ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आई, लैग बहुत हद तक कम हुआ है। तो वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो जो वही ट्रिक है जो वही चीज़ें मैं करके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बंदों को नहीं पता डेवलपर ऑप्शंस में से क्या क्या करना है, ठीक है, ये सब। तो मैं वही चीज़ के ऊपर ये वीडियो बनाया हूँ। और भाई वीडियो का ना एक भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना तुम लोग कहोगे कि भाई लैग फिक्स नहीं हुआ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो पहले टिप उसने बताई थी, तो फर्स्ट टिप मैं जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मैंने बहुत अपने बाकियों की वीडियो में ही बता रखा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको पहले अबाउट फोन में जाके आपको अपना डेवलपर ऑप्शंस ऑन करना है। डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन होगा, ये म्यू वर्जन पे 7-8 बार टैप करोगे तो ये अपने आप ही लिखा जाएगा यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है। ये करने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाके एडिशनल सेटिंग्स में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, उसमें जाना है। डेवलपर ऑप्शन को सबसे पहले तो आप इनेबल करना, और थोड़ा नीचे आने के बाद ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा गेम ड्राइवर प्रीफ्रेंस करके। तो आपको ये वैसे बहुत बार मिस हो जाता है, आपको मिलता नहीं, आप सोचते हो है नहीं, वैसे है ये एक्चुअली, और ये मतलब जो लेटेस्ट अपडेट है उसी में मिलेगा आपको ये म्यू 11 का। इसमें आना है सबसे स्टार्टिंग वाले पहले ऑप्शन में इनेबल फोटो ऑप्शन में आपको इनेबल गेम ड्राइवर वाला करना है, ठीक है। उसके बाद पबजी मोबाइल सर्च करके उसमें आपको सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर करना है। इतना करने के बाद आपको बैक आना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ पहला है भाई, ये चीज़ ध्यान से करना, और यही जो जो मैंने बताया वही करना। और जो दूसरी ट्रिक है वो भी डेवलपर ऑप्शंस में है, इसी में सबसे नीचे जाना है आपको। सबसे नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करके एक ऑप्शन है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जैसा अभी स्टैंडर्ड लिमिट है, तो ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना ये ध्यान से करना, इसमें आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करना है। जब आप अपना फ़ोन रिस्टार्ट करोगे ना, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करोगे, तो ये वापस से स्टैंडर्ड लिमिट पे हो जाएगा। तो आपको बार बार ये करना पड़ेगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं करेगा जब आप पबजी खेलोगे। पबजी का कोई भी एक ऐप, कोई भी आप गेम कोई भी ऐप चलाओगे तो उसके अलावा और कोई बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चलेगा, तो इससे भी बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है, और इसे हर बार करना है जब आप पबजी खेलो, और मतलब पबजी खेलने स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आपको करना क्या है, जो तीसरा ट्रिक है, तो इस टिप में आपको करना क्या है, आपको वापस से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद आपको नॉच एंड स्टेटस बार करके एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जाना है, इसमें जाने के बाद आपको हाइड नॉच पे जाना है, और सबसे नीचे वाला ऑप्शन है जो हाइड एंड नॉच स्टेटस बार, और इससे आपका नॉच गायब हो जाएगा। जैसे मेरा नॉच गायब है, तो ये वापस से आप इनेबल कर सकते हो, बट ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है यार। मतलब पबजी लाइक आपको पबजी खेल लेना, आपको शो ऑफ तो करना नहीं है वैसे भी, तो ये चीज़ के लिए बहुत काम आती है। वैसे अजीब सी है कि आप कहोगे कि इससे कोई रिलेट नहीं है, बट इससे बहुत फ़र्क आएगा, ठीक है। एक बार आप करके देख लेना हाइड एंड नॉच स्टेटस बार करके एक बार, ठीक है। इससे बैटरी भी थोड़ी कम खर्च होती है ऐसा शायद मेरे को लगता है, पर जो भी है एक बार कर लेना ये। सो लास्ट टिप में आपको करना क्या है कि आपको अपने गेम टर्बो का क्लियर डेटा करना है, ठीक है। क्लियर डेटा करने के बाद आपको इसको चालू करना है, और बहुत बंदे कहते हैं कि भाई गेम टर्बो ऑफ करके खेलने में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो भाई एक बार ट्राई करके देख लेना वैसे क्या जा रहा है। मैं तो गेम टर्बो ऑन करके खेलता हूँ, थोड़ा लैग मेरे को कम फेस होता है। आप एक बार बंद करके भी खेल लेना, बट मैं नोटिफिकेशन वगैरह की वजह से मैं चालू रखता हूँ। तो इसका क्लियर डेटा करने के बाद जो सेम सेटिंग मैंने कर रखी है, आपको सेम सेटिंग करना है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके सेम सेटिंग कर लेना, ठीक है, परफॉर्मेंस मोड को ऑन वगैरह करके, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर ही देना अगर थोड़ा सा भी लैग कम होना तो भाई कर देना, ठीक है। और बहुत बंदे यार मेरे को कह रहे थे ना पिछले वीडियो में कि जो तूने मोंटाज बनाया, तो भाई उसमें थैंक यू कि अब तू थैंक यू क्यों बोल रहा है, तूने तो वीडियो में बोला था कि भाई बहुत बेकार फोन है ये। तो भाई देख, थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार कंटेंट के पोको एफ1 के कंटेंट की वजह से मेरे 1K सब्सक्राइब हुए, ठीक है। सो ये सब बातें छोड़ो, और इसमें आपको करना क्या है, ग्राफिक्स में आना है। ग्राफिक्स में आने के बाद जो सेम सेटिंग मैंने करी है ना, सेम यही करना है, कलरफुल और ये स्मूथ एक्सट्रीम पे करके खेलना है, और एंटी एनालाइजिंग को जो है इसको ये डिसेबल करके खेलना है, ठीक है। उसका ब्राइटनेस वगैरह आप अपने हिसाब से कर लेना, और ये राउंडेड कॉर्नर्स भी करके आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी कर लेना राउंडेड कॉर्नर्स, वैसे आपकी मर्जी है इसके लिए। तो और जो ऑडियो है ना, ऑडियो तो यार आप हाई पे या फिर लो पे खेलो, अगर आपका बहुत ज़्यादा लैग करता है तो आप लो पे करके खेलो, वरना आप हाई पे करके खेलना, ठीक है। मेरे को पता है भाई, देख पोको, मेरे को पता है कि 6 GB रैम वाला फ़ोन है, बट और 845 का प्रोसेसर है, बट भाई कर क्या सकते हैं, हम यही सब कर सकते हैं। सो बस यही चीज़ है, यही चीज़ करने के बाद आपको अपना फ़ोन रिस्टार्ट मत करना, एक बस गेम रिस्टार्ट करना, गेम रिस्टार्ट करके फिर एक बार खेल के देखना, भाई बहुत हद तक आपको लगेगा कि हाँ परफॉर्मेंस बढ़ गई है गेम की, ठीक है। तो लैग थोड़ा सा कम होगा, मैं ये नहीं कह रहा यार एकदम ही फिक्स हो जाएगा, बट अब हम बस अपडेट का वेट कर सकते हैं, ठीक है, कि अब जब नेक्स्ट अपडेट आएगा पोको F1 का या फिर पबजी मोबाइल का, तो बस उसी का वेट कर सकते हैं यार। बाकी अब इन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है अब, तो यार भाई और बाकी हम कुछ कर नहीं सकते। फ्लैश वगैरह जो होता है कि
इस OS को फ्लैश कर दे, इससे होगा ये होगा। मेरे को उन चीज़ों का उतना नॉलेज है नहीं, बट फिर भी मैंने आज तक तो वैसा कुछ किया नहीं, बट खैर जो भी है। सो अगर वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्या बोलते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।